अच्छे बनने वाले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर मारिए और क्या है सब दबा दीजिए। तो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आज के फिर से एक नए वीडियो पे। तो गाइस, आ जाए हम उड़ीसा भुवनेश्वर में, जो सबसे पुरानी गुफा है जो उदयगिरी खनगिरी के नाम पे जानी जाती है, तो वहाँ पर घूमने आए। तो गाइस, आपको एक एक करके इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए। तो गाइस, आपको एक जन से आज मिलाता हूँ, देख सकते हो इसको। तो गाइस, ये तो मेरे रिश्ते में तो मेरे चाचा लगते हैं, तो नाम है इसका टोंडा। और देख सकते हो, कुछ कहना चाहते हो? तो गाइस, वीडियो को अंत तक देखते रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको एक एक करके इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो गाइस, यहाँ राइट साइड में उदयगिरी और लेफ्ट साइड में खनगिरी, ऐसे आप टिकट ले सकते हो, 25-25 रुपये करके टिकट है। और फाइनली गाइस, हमने टिकट ले लिए और टिकट का प्राइस है 25-25 रुपया। तो गाइस, इसमें पूरा उदयगिरी खनगिरी का इतिहास लिखा हुआ है, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट करके मैं आपको रख दूंगा, तो आप स्पेस करके देख सकते हो क्या लिखा हुआ इसमें इतिहास। तो गाइस, आप देख सकते हो कैसा व्यू है, अभी कोरोना के लिए कोई आ रहा नहीं है, तो देख सकते हो पूरा खाली है और शाम को शायद कोई भीड़ होगी तो होगी, बहुत टूरिस्ट लोग यहाँ पर आते हैं, अभी तो खाली है, फिलहाल तभी खाली है। तो गाइस, देख सकते हो कुछ ऐसी है गुफा, और कहा जाता है कि गुफाएं सब अशोक सम्राट के युग की है, तो गूगल कर लेना आप एक एक करके इंफॉर्मेशन, देख सकते हो आप, देख के चलना पड़ेगा नहीं तो गिर जाएंगे। तो गाइस, देख सकते हो कैसी गुफा है, चलिए, ये पुराने काल की गुफा है, अंधेरा से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार की है गुफा है। और दूर जाओ और देख सकते हो गाइस, पहले के टाइम में यहाँ पर ऐसे ही लोग रहते थे। तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है। और फाइनली हम जाते हैं अभी गुफा के अंदर, एंट्री करते हैं, यहाँ पर कुछ प्राचीन मूर्तियाँ बनाई हुई है और यहाँ पर सब गुफा है, यहाँ पर तो एक लाइन में सारी गुफा है, बहुत सारी, 1, 2, 3, 4 हम गिन के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गुफाएं यहाँ पर, यहाँ पर सब प्राचीन मूर्तियां बनाई हुई है। तो गाइस, ये वाला लेफ्ट साइड का व्यू है, तो फाइनली हमने लेफ्ट साइड का पूरा व्यू घूम लिया है, तो हम जाने वाले राइट साइड में, तो आप देख सकते हो यहाँ से कुछ इस तरह सा व्यू है। तो फाइनली गाइस, हमने पूरा लेफ्ट साइड घूम लिया है उदयगिरी का, अब जाने वाले बैक साइड में, बैक साइड में क्या है तो आपको चाहते हैं वहाँ पर देखते हैं, और गर्मी के टाइम में, धूप के टाइम में बहुत अच्छा लगेगा शायद, यहाँ पर छाव बहुत अच्छी है। तो गाइस, यहाँ बैक साइड में बैठने लायक है खाली जगह, और कुछ घूमने लायक अच्छी नहीं है, तो कपल लोग यहाँ पर आते हो तो बैक साइड में जरूर आओ, यहाँ पर बैठने की जगह अच्छी है। गाइस, हम ऊपर की साइड है, यहाँ पर
देख सकते हो यहाँ पर एंट्री नहीं अंदर में जाने की। फाइनली हम वहाँ पर जाने वाले हैं। तो गाइस हम सबसे ऊपर आ गए हैं। अगर यहाँ से पूरा भुवनेश्वर दिखाई दे रहा है, देख सकते हो। इसको कवर करने के बाद हम जाएंगे सामने खंडगिरी, जो सामने दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ से पूरा भुवनेश्वर दिखाई दे रहा है और ऊपर में जाके आपको दिखाता हूँ। चलो भाई, तो गाइस ये सब देख सकते हो। यहाँ से फ्रंट साइड से आए हम ऊपर की साइड पे, तो यहाँ से ऐसा व्यू है। बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। तो वैसे नीचे के साइड में देख सकते हो आप कितने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं सब। हम सबसे ऊपर की साइड में है अभी। फाइनली दोस्तों हम नीचे की साइड आ गए हैं। देख सकते हो यहाँ से कैसा व्यू है कुछ। एक एक करके अब टूरिस्ट भी लोग आते हैं यहाँ पर अभी। यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है। यहाँ पर सफाई कर्मचारी बैठे हुए, इन लोगों को धन्यवाद है, तो सब साफ रखते हैं यहाँ पर। वैसे यहाँ पर कुछ बंदर भी है, देख सकते हो आप खेल रहे हैं। इनके लिए कुछ खाना पीना बाहर के ला के लाइए। तो फाइनली गाइस सबने सब घूम लिया है, अभी जा रहे हैं। देख सकते हो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है। फाइनली गाइज हमने उदयगिरी घूम लिया पूरा, अब जा रहे हैं खंडगिरी। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आगे भी वहाँ पर भी क्या है दिखाते हैं आपको एक एक करके। तो फाइनली गाइज हमने उदयगिरी घूम लिया है और खंडगिरी जा रहे हैं। तो देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर बंदर भी बैठे हुए हैं। और चलो सीढ़ियाँ बहुत है, तो ऊपर जाके हम एक एक करके व्यू बताते हैं। तो वीडियो में बने रहिए आगे तक। यहाँ भी कुछ प्राचीन मूर्तियाँ राशिक हुई है, देख सकते हो। तो गाइस यहाँ शिव मंदिर है एक, और यहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है एक, देख सकते हो आप। फिर हमने घूम लिया है और फाइनली हम जा रहे हैं ऊपर की साइड। तो वीडियो में आगे बने रहिए। यहाँ कुछ बंदर मस्ती कर रहे हैं, बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पर। तो भाई देख सकते हो खंडगिरी, यहाँ पर कुछ सीढ़ने की चिड़िया ठीक से नहीं है, तो आप आओ तो ठीक से चढ़ो, नहीं तो गिर सकते हो। वीडियो को स्किप करते हैं, ऊपर जाके आपको दिखाते हैं व्यू। तो गाइस हम फाइनली पहले उस साइड थे, अभी हम यहाँ पर साइड में आ गए खंडगिरी। देख सकते हो कुछ ऐसा व्यू है ऊपर की साइड। एक माता जी का मंदिर है यहाँ ऊपर, पर वो बंद है अभी।
यहाँ से बहुत अच्छा व्यू है। ऐसे मेरे चाचा को अभी भूख लगी है तो हम फाइनली अभी जाएंगे खाना खाने, तो खाना खाने के बाद हम जाने वाले हैं सीधा घर। जा रहे हैं खाने के लिए, और क्या बोले हम, वीडियो में लाइक शेयर जरूर कीजिए। हम थक गए। यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं, आपको कुछ करेगा नहीं, उनके लिए कुछ खाना पीना ले जा सकते हो, ले जाओ। फाइनली गाइज हमने सब घूम लिया है और अभी निकल रहे घर की ओर। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए। तो ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे भाई, और भी अच्छी अच्छी जगह जाके वीडियो बनाएंगे, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो गाइस यहाँ पर एक बस स्टैंड भी है, तो बहुत बड़ा बस स्टैंड है, तो आप पूरी से वहाँ से आते हो तो वहाँ पर बस मिल जाएगी आपको, पूरी जाना है।